नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। झारखंड में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त पड़ने लगी है। राज्य में बुधवार का दिन सुकून भरा रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 42,453 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 799 संक्रमित पाए गए। इन मरीजों में स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी रेट 94.28% पर पहुंच गई है। इस तरह सैंपल जांच में पॉजिटिविटी रेट 2.30% रही। उधर रांची के लोगों को कोरोना से राहत मिली है। बुधवार को रांची में 120 संक्रमित मिले, जबकि यहां 453 मरीज स्वस्थ भी हुए। इधर 24 घंटे के अंदर 19 मरीजों की मौत हुई। इनमें रांची में 7, पूर्वी सिंहभूम में 5, हजारीबाग में 2 और धनबाद, दुमका, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला में 1-1 मरीज की मौत इलाज के दौरान हुई। राज्य के 16 जिलों में कोई मौत नहीं हुई। उसके साथ ही सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,910 पहुंच गई। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 14,196 पर पहुंच गई है। एक बार फिर से पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 160 रहा, जबकि राजधानी रांची से 120 संक्रमित। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ रहे हैं अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अब कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है और राहत की बात यह है कि अब रिकवरी रेट भी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं है। लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, जो कोरोना का जो संक्रमण है वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, रांची और पूर्वी सिंहभूम का आंकड़ा देखेंगे तो हमेशा से, शुरुआत से लेकर अब तक, ये दो जो जगह, जो दो जिले हैं, यहाँ संक्रमितों की जो संख्या है वो हमेशा मैक्सिमम रही है। और अभी रांची में यदि हम देखेंगे तो 3,880 जो हैं पॉजिटिव जो मरीज हैं वो इलाजरत हैं। तो रांची और पूर्वी सिंहभूम कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि संक्रमण अभी भी है, अभी भी यहाँ मरीज हैं, तो अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं, यदि 21 मई से 25 मई तक के बीच का आंकड़ा देखेंगे तो उस समय से ऐसा लग रहा है कि 20 से ज़्यादा मरीज नहीं मिल रहे थे, तो धीरे धीरे काफ़ी कमी आई है। और मौत का जो आंकड़ा है, यदि लगभग 24 जिले हैं जिसमें 16 जिले में कल एक भी मौत नहीं हुई है, तो ये एक सुकून भरा खबर है कि लोगों का इम्यून पावर ठीक है। और जो मरीज संक्रमित भी हो रहे हैं तो वो डॉक्टरों और जो मेडिकल टीम है और खुद की जो इच्छा शक्ति है, इससे वो मरीज ठीक हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे जो संक्रमण की जो गति है वो जरूर रुकेगी। लेकिन जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं आरती, वो देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो है भी झारखंड का 0.4% है। तो ये आंकड़े पहले काफ़ी चौंकाते थे। और जो रिकवरी रेट है वो भी अब पहले की तुलना में अच्छा है और राष्ट्रीय आंकड़े से बेहतर है। चिंता का विषय है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं और इसको लेकर डॉक्टर भी मंथन कर रहे हैं। और डॉक्टरों की राय है कि जो पहले गंभीर मरीज आए उन्हीं में से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में अब जो मरीज आ रहे हैं, अभी देखिए पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो लगभग 46% जो आईसीयू बेड है वो खाली पड़े हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल का जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूँ, मतलब मरीज जब पहले की तुलना में संक्रमित भी कम हो रहे हैं और लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो राज्य सरकार ने घोषणा की और अभी जो पांचवी बार इसका एक्सटेंशन हुआ है 3 जून के लिए, तो इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट है। और ये इम्पैक्ट हम आने वाले समय में भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होगा। और हमें लगता है कि रांची हो या पूर्वी सिंहभूम हो और उसके अलावे जो अन्य जिले हैं, तमाम जिलों में जो आंकड़े देखेंगे तो धीरे धीरे कम हो रहा है। और धनबाद में आंकड़े ज़्यादा आते थे, हजारीबाग में आंकड़े बहुत ज़्यादा आते थे, तो अब धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन रांची और पूर्वी सिंहभूम एक अभी भी हम कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव जोन में है, तो ऐसे में लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है और अपना जो खान पान है बेहतर करने की जरूरत है। और ये आंकड़े देखकर लोग अपनी दिनचर्या, अपना जो लाइफ स्टाइल है
उसे बदलने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो आंकड़े जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए परसों जो आंकड़े आए थे रांची का, वो 200 का पार था आंकड़ा। तो ये चिंता का बात है कि जहां एक दिन 159 मामले आए, एक दिन 199 मामले आए, और उसके फिर तीसरे दिन 200 से ज़्यादा मामले आ गए। तो हमें लगता है कि अब धीरे धीरे तमाम लोग समझ रहे हैं, और सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन किया है कि लोगों का जीवन भी चले और कोरोना को मात भी दें, तो ये कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है, ये हमें लगता है कि जमीनी धरातल पर अब ये दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इससे बचने के लिए भी ये जरूरी है कि आप वैक्सीन जो लोग नहीं लिए हैं वैक्सीन जरूर लें, ये एक बड़ा सुरक्षा कवच है। अब देखिए सरकार ने ये भी सुविधा शुरू करने जा रही है, जिससे मोबाइल वैन होगा, उससे लोग फोन करेंगे तो उस जगह में 20 से ज्यादा लोग होंगे तो वहाँ वैक्सीन दिया जाएगा। तो सरकार हर तरह से जो है पूरी तरह से प्रयासरत है, और आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो थोड़ा सुकून जरूर लग रहा है। नहीं तो पहले लोग काफी भयभीत रहते थे, आप किसी भी चौक चौराहे में 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाते आरती, तो सिर्फ एम्बुलेंस की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं मतलब डराती थी। अब एम्बुलेंस की आवाज भी धीमी हो गई है, और कोरोना कभी संक्रमण जो है वो भी धीमा। हाँ, बिल्कुल अंजनी, देखिए संक्रमण जरूर घटा है लेकिन संकट टला नहीं है। हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं दिलीप, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप देखिए चर्चा इसी बात की हो रही है कि हम रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो चुका है हमारे सूबे में, अब संक्रमितों का आंकड़ा भी कम हो गया, यानी कि रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है कोरोना की। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अभी अगर कोरोना को हराना है तो हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि संकट अभी टला नहीं। देखिए बिल्कुल संकट टला नहीं अभी, क्योंकि यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना का तीसरी लहर भी दस्तक दे सकता है। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, और जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना से बचाव को लेकर के, उसका भी पालन करना, और खास करके लोग पालन कर रहे हैं, और यही वजह है कि रिकवरी रेट थोड़े अच्छे हुए हैं, कोरोना संक्रमित का ग्राफ में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सावधानी ही आपका उपाय करेगी, और इसको लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी काफ़ी तैयारियां कर रखी है तीसरी लहर को लेकर के, चाहे वो कैथ लैब में बेड बढ़ाने की बात हो, पीजी ब्लॉक में, सदर अस्पताल में, तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से लोग पहले भीड़ भाड़ में निकल जाते थे, मास्क बहुत कम लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे, तो इस तरह से जो पालन होने लगे हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है, तो इसका फायदा दिखा है, कोरोना का संक्रमण का ग्राफ में कमी आई है, और जो लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, और ऐसे में कोरोना से बचाव का उपाय, सबसे बड़ा उपाय है आप सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ ना लगाएं। जी चलिए, तो ये बहुत ज़रूरी होगा। और देखिए अंजनी, अगर हम कोरोना के बारे में अगर एहतियात बरत रहे हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना होगा अंजनी कि ब्लैक फंगस का भी खतरा अब मंडराने लगा है। देखिए कितने केसेस आ गए हैं, और अब तो व्हाइट फंगस भी आ गया है। अंजनी, अगर आवाज़ आप सुन पा रहे हैं मेरी, तो हाँ, कोरोना का संक्रमण था और मरीज ठीक भी हो रहे थे, लेकिन जो मरीज जो शुगर के पेशेंट थे और वो कोरोना को मात देकर घर की ओर लौटे, तो उन्हें एक नई बीमारी ने जकड़ लिया, वो है ब्लैक फंगस। और अब 2 मामले जो है रिम्स में आए हैं व्हाइट फंगस का। तो ये देखिए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और एक नया जो है येलो फंगस भी राजस्थान में आ चुका है। तो ब्लैक फंगस से पूरे भारत में देखेंगे तो लगभग 6,000 मामले हैं, और झारखंड में देखेंगे तो लगभग 25 से 30 मामले हैं। ऐसे देखेंगे कुल तो जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, कम से कम कुल आंकड़ा देखेंगे तो 50 है। और तो ये चिंता की बात है, ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है, और राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर बहुत परेशान है, और केंद्र सरकार से भी बातचीत हो रही है, और इसको लेकर जो एहतियात बरतने हैं वो भी पूरी तरह से सरकार कर रही है। लेकिन यदि महामारी एक्ट 1897 देखेंगे तो उसके तहत इस बीमारी को भी जो है
ब्लैक फंगस को भी महामारी का देने की बात भी चल रही है, कई राज्यों में घोषणा भी कर दी गई है आरती। तो ब्लैक फंगस जो है एक जानलेवा बीमारी है और यदि सही समय में इलाज नहीं हो पाया तो मरीज की मौत भी हो रही है। रांची में मामले हैं, जमशेदपुर में मामले हैं, चतरा में मामले हैं, तो अलग अलग जिलों में संख्या कम है लेकिन रांची में मामले और जमशेदपुर में मामले ज़्यादा हैं। तो ये सरकार भी इसको लेकर मंथन कर रही है, डॉक्टरों की जो टीम है इसको लेकर कैसे रोका जाए। और ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई कोरोना का मरीज है और वो शुगर का पेशेंट है तो उसको जो दवाइयों का जो बिल्कुल, तो देखिए अब ये प्रशासन और सरकार तो तैयार है ही और हमारी भी ये सहभागिता रही, जनता की सहभागिता रही जिसकी वजह से हम कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगा पा रहे हैं, लेकिन एहतियात अभी बरतना बहुत जरूरी है। शुक्रिया अंजनी और दिलीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 16 जिलों में देखिए कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई कल पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा और ये शुभ संकेत।